जो हार्मोन है वो हमारे पास है थायराइड ग्लैंड। ये लार्जेस्ट सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये जो है वो नेक में मौजूद होता है लेरिंग्स के नीचे, ठीक है। और ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट इज़ थायरोक्सिन। आयोडीन जो है वो ज़रूरी होती है इस हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए। अगर डाइट में आयोडीन की कमी हो तो थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसके नतीजे में वो फूल जाते हैं और इस बीमारी को हम कहते हैं गॉइटर, ठीक है, गिलड़ की बीमारी। अब फंक्शंस आ जाते हैं थायरोक्सिन के। थायरोक्सिन जो है वो फूड के ब्रेक डाउन को इंक्रीज़ करता है और इसके अलावा जब ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीडेशन के जरिए तो उसे एनर्जी रिलीज़ करवाता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी की ग्रोथ में भी, ठीक है। सोमेटोट्रोफिन के साथ साथ ये भी बॉडी की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसकी ज़्यादती या कमी की वजह से दो जो है सिचुएशन होती हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म तब होता है जब थायरोक्सिन की प्रोडक्शन कम होती है, इससे आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन भी कम होती है और हार्ट बीट भी स्लो हो जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म तब होता है जब थायरोक्सिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज़ होती है, आपको बार बार पसीना आता है और आपके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन के अलावा एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट इज़ कैल्सिटोनिन। ये जो है वो कैल्शियम आयंस का ब्लड में लेवल को कम करता है और उनको डिपॉजिट करवाता है बोन्स में, यानी ब्लड से लेकर उनको बोन्स में डिपॉजिट करवा देता है। नेक्स्ट वी हैव पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड असल में फोर ग्लैंड पर मुश्तमिल होता है जो कि थायराइड ग्लैंड की पिछली साइड पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो जिसका नाम है पैराथार्मोन और ये कैल्शियम को ब्लड के ब्लड में जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। कैल्सिटोनिन इनका काम था ब्लड से कैल्शियम लेकर बोन्स में डिपॉजिट करवाना और पैराथायराइड का काम है कि ब्लड में जब कैल्शियम की कमी हो जाए तो बोन से लेकर ब्लड में लेकर आना। जब पैराथार्मोन ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस है अपने तो ज़्यादा कैल्शियम साल्ट जो है वो बोन से निकल कर ब्लड में आ जाते हैं तो बोन्स जो होती हैं वो जो नर्म पड़ जाती हैं। और जब पैराथार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए यानी ये कम प्रोड्यूस हो तो कैल्शियम लेवल जो है ब्लड में फॉल कर जाता है और इससे जो है वो टैटनी जो है वो का मर्ज हो जाता है जो कि मसल्स की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव एड्रीनल ग्लैंड। दो एड्रीनल ग्लैंड होते हैं जो किडनीज के ऊपर होते हैं। हर एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर को हम मेड्यूला कहते हैं। एड्रीनल मेड्यूला जो है वो सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसे हम एपिनेफ्रीन या एड्रेनालिन कहते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल जो स्ट्रेस की कंडीशन में रिस्पॉन्स करता है और ये प्रिपेयर करता है बॉडी को कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को कंप्लीट करें, इसलिए हम एड्रेनालिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो सिक्रीट करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को जो बॉडी के अंदर सॉल्ट्स और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल रखते हैं, मेनली ब्लड में इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट वी हैव हार्मोन पैंक्रियाज। इस पैंक्रियाज के दो फंक्शन होते हैं, एक ये एज अ डक्टेड ग्लैंड होता है यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी एक्ट करता है। इस पोर्शन में जो है क्या होता है डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करके स्मॉल इंटेस्टाइन में दिए जाते हैं। कुछ पोर्शन जो है पैंक्रियाज का वो एज अ डक्टलेस ग्लैंड एक्ट करता है यानी एंडोक्राइन ग्लैंड। ये पोर्शन जो है वो इसमें कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ठीक है। इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम इंसुलिन और ग्लूकागोन कहते हैं। ग्लूकागोन का काम है कि वो लिवर को जो है वो स्टिमुलेट करे कि वो ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज़ करे ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाए, और इंसुलिन का काम है कि वो लीवर को स्टिमुलेट करे कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करे और जो है वो इसका काम ही होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करे, ठीक है। अगर किसी पर्सन के पैंक्रियाज सही से काम नहीं करते और वो सही से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते तो उसको इंसान को डायबिटीज़ मेलिटस की बीमारी हो जाती है जिसमें ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। अब इसमें होता क्या सिम्टम्स क्या होते हैं, बॉडी वेट का लॉस हो जाता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, इंसान जल्दी थक जाता है। अब ट्रीटमेंट क्या है, इसको ट्रीट किया जाता है इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन से यानी इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। पहले क्या होता था कि ये इंसुलिन एनिमल से एक्सट्रैक्ट की जाती थी और इंसानों को लगाई जाती थी, लेकिन अब जो है वो ह्यूमन इंसुलिन बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस करवाई जा रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये पूरा एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का आगे एक चैप्टर है इंशाल्लाह, उसमें हम इंसुलिन के प्रोडक्शन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ग्लैंड गोनड्स। गोनड्स में आ जाते हैं टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ओवरीज होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती हैं, ठीक है। और इन सबको हम इन दोनों को टेस्टिस और ओवरीज को कलेक्टिवली गोनड्स कहते हैं।
गैमेट्स प्रोड्यूस करने के अलावा टेस्टिस और ओवरीज जो हैं वो हार्मोन्स भी सेक्रीट करते हैं जिन्हें हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। टेस्टिस जो हार्मोन सेक्रीट करते हैं हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसका काम ये होता है कि मेल की सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स को बढ़ा देना। अब उनमें क्या आ जाते हैं, आपके चेहरे पर बाल यानी दाढ़ी मूंछ वगैरह, इसके अलावा उनकी वॉइस जो है वो भारी हो जाती है। अब ओवरीज जो हार्मोन सेक्रीट करते हैं हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीमेल सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, जैसे ब्रेस्ट की डेवलपमेंट वगैरह। अब आ जाते हैं हम ब्लॉक्स पर, ठीक है। पेज 48 पर पहला ब्लॉक है कि मेटामॉर्फोसिस को भी कंट्रोल किया जाता है हार्मोन से। अब हमें यह पता होना चाहिए कि मेटामॉर्फोसिस क्या होते हैं। आप अक्सर हम यहाँ पर फ्रॉग की एग्जांपल लेते हैं। देखिए फ्रॉग में पहले जो है वो एग से जो है वो टैडपोल निकलता है और फिर टैडपोल से फ्रॉग बनता है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट फ्रॉग नहीं निकलता, जैसे मुर्गी के अंडे से चूजा निकलता जो मुर्गी की तरह ही होता है, ऐसा तो नहीं है कि मेटामॉर्फोसिस में इस तरह नहीं होता। इसमें पहले कोई और स्ट्रक्चर होता है, एट द एंड एडल्ट जाकर वो कोई और स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। सेल डिवीजन इन इनवर्टिब्रेट्स को भी हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा बर्ड्स की जो माइग्रेशन होती है एक इलाके से दूसरी तरह इलाके की तरफ, उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। और जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। इसके बाद है हमारे पास, आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि गर्मियों में यूरिनेशन कम होती है। इसका मतलब, इसकी वजह क्या है कि गर्मियों में स्वेटिंग होती है जिसके नतीजे में वाटर लेवल ब्लड में कम हो जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ज़्यादा ADH यानी ADH प्रोड्यूस करते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, जिसे हम वेजोप्रेजिन का नाम दिया था, वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब हो जाए, ब्लड का वाटर लेवल कंट्रोल में रहे। गवर्नमेंट जो है वो सॉल्ट रिफाइनरीज को इनक्रेज करती है कि वो सॉल्ट में आयोडीन की कंसनट्रेशन ऐड किया करें, ताकि लोगों में ये गॉटर की बीमारी जो है वो ख़त्म की जा सके। कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन एक दूसरे के उलट काम करते हैं, ठीक है। इन दोनों का काम होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना, एक कम करता है और दूसरा ज़्यादा करता है। नेक्स्ट वी हैव अ टैटनी। टैटनी में क्या होता है, शार्प फ्लेक्शंस होते हैं रिस्ट और एंकल जॉइंट्स में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो है वो झटके से प्रोड्यूस होते हैं, मसल जो है वो आपके जो है वो उनमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, कन्वर्जियंस होती हैं। ये होता है ब्लड कैल्शियम लेवल जब डिक्रीज हो जाता है तो ना वो मसल्स जो हैं वो सही से काम नहीं कर पाते, तो इस वजह से ये टैटनी हो जाती है। हमने कहा कि जो एपिनेफ्रीन होती है वो, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब ये कैसे काम करता है, जब कोई पर्सन जो है वो उसको डर लगता है या वो एक एनजाइटी का अटैक होता है उस पर, तो उसका क्या होता है कि हार्ट बीट एकदम से इंक्रीज़ कर जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड जो है वो लिम्स में यानी टांग और बाजू में उसका फ्लो ज़्यादा हो जाता है, ब्लड जो है वो एलिमेंट्री के नाल और स्किन की तरफ कम आने लगता है। और इस तरह की सिचुएशंस जो हैं वो कंडीशंस जो हैं वो इस तरह की सिचुएशंस को कम्पीट करने के लिए होती हैं, और ये उसको ताकि इमरजेंसी सिचुएशन को फेस किया जा सके। नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन लेवल है वो 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 80 से 120 मिलीग्राम होना चाहिए। अगर 80 से कम है तो भी वो डायबिटीज़ जो है वो मेलाइटस है, और अगर 120 से ज़्यादा तो भी डायबिटीज़ मेलाइटस है। अब ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन टेस्ट है, ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट को जज करने के लिए टेस्ट किया जाता है, और डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए भी यानी उसकी तशखीस करने के लिए किया जाता है। ब्लड ग्लूकोज जो मैयर किया जाता है फास्टिंग बेसिस पे, मतलब इसका मतलब ये है कि 8-10 घंटे की भूख के बाद जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है, और किसी भी मील के बाद रैंडमली भी चेक किया जा सकता है, ठीक है। और इन इस टेस्ट के जो है वो आपको रिजल्ट्स यहाँ दिखाए गए हैं कि 70-99 अगर होगा, ठीक है, अगर आपने 8-10 घंटे भूख रहन बर्दाश्त करने के बाद ये टेस्ट किया है, और 70-99 मिलीग्राम है 100 मिलीलीटर में तो नॉर्मल है। अगर 100-125 है तो प्री डायबिटिक है यानी डायबिटीज़ हो सकती है, और अगर 126 भी हो गया ना और उससे ऊपर चला गया तो आप डायबिटिक पर्सन है यानी आपको शुगर की बीमारी है। और अगर 2 घंटे की भूख के बाद आप ये काम BGC लेते हैं यानी ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन टेस्ट करवाते हैं तो 140 से कम है तो नॉर्मल है, 140 से 200 है तो आप प्री डायबिटिक हैं यानी डायबिटीज़ की अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे, 200 से ऊपर चला गया तो डायबिटीज़ के आप जो हैं वो बकायदा पेशेंट हैं। प्लीज़ डू लर्न ऑल द टॉपिक्स केयरफुली एंड डू देयर HA ऑन योर रफ रजिस्टर। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे होम, स्टे सेफ। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक।